इंतहा शुक्रिया। मैं बादशाह का फरमान सुना था कि हर बंदा दुआ दे सके, कोई बच्चा बादशाह अमीरुल मोमिनीन की विलायत पढ़ता हो या नारा लगा ले उधर साथ वाजिब है औजब समझ के दिया करो। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं बच्चों से मोहब्बत किया करो, क्यों? उनके दिल में अली का बोझ नहीं आता, वड़े नु ही मौत पैंदी है। साईं आपकी क्या बात, हुक्म सी तमील हो गई, अली वाले की ज़ियारत हो गई, मजमे का ज्यादा होना घट होना, दाद देना घट बोलना, ए अपने अकीदे ते डिपेंड करदा। अली अपने वास्ते पढ़दा, बंदे वास्ते पढ़दा ही नहीं। जेडे चुप बैठे ने मेरे लो सौ वारी चुप रहन, जेडे बोल रहे ने ओ जिन्ना मर्जी ज्यादा बोलन, जदों मैं पढ़ी अपने वास्ते मालिक फरमाते लोगों के ज़र्फ के मुताबिक उनसे बात करो। अगर एक गल है तो फिर मैं इस वास्ते मेंबर ते कह देना थोड़े वास्ते नहीं, मैं अली अपने वास्ते पढ़े, मेरी मजबूरी है। मैं सिर्फ उन्होंने वास्ते अली पढ़ता जिन्हों वास्ते सब कुछ अली है, जिन्हों वास्ते कुछ कुछ अली होवे मैं उन्हें हाथ नहीं मिलांदा, मेरी मजबूरी है, मेरे को बार बार गुस्ले मसे मैयत नहीं होंदा। मुर्दे नूं हाथ लाओ, चलो मेहरबानी भजन ने बुला लिया, अगली दफा पता नहीं बुलाते नहीं बुलाते, जे चुप हो तुहाडे वास्ते जिंदा, मैं मेहनत कर रहा, इतने ढेर बंदे बाहर गए ने, चुप वाले भी बाहर चले जाया करो, लाइव भी बंदे कैमरा भी ढेर ऐसी चीजें आ गई ने। रसूल फरमाए मेरे बिराले दे जिक्र च इंज बोलिया करो, बंदे दूरों इशारा करके आखण ओ बैठा है अली वाला, आप चुप कर गए मतलब इसमें बड़ा ही कोई नहीं है। जे बंदे मन से चुप रहते घर से लड़ देने, मैं वैसे भी तुहाडा ज़ाकर नहीं, जिन्हां ज़ाकर हां मैनूं दाद दिंदे ने, इस वड्डे या नौजवान या बुजुर्ग बैठे तुहाडे वास्ते, मैं इन्हां दा ज़ाकर हां इस जनरेशन दा जिन्हां दे अजी मैं तैयार कर रहे दिन ठीक ने सही मन दे, जिन्हूं मनन वास्ते कम अज़ कम अल्लाह या उहदा महबूब होना पवे। तुहाडी खामोशी दी कसम है, रसूल आखिया अली नूं या मैं जानना या अल्लाह जानदा। पीर मुश्ताक शाह जी कहते हैं साडा बिच ना ही कोई नहीं, चुप रहो तुहाडी मर्जी है। दो दुआओं मेरे जिम्मे ने, दुआ इस वास्ते मंगे करो, जैनुल आबदीन बादशाह फरमाते हैं जब कोई दुआ मंगता है और दुआ कबूल ना हो उसके इफ़्ज़ाने च मालिक उसके गुनाह माफ कर देगा। अली बादशाह फरमाते हैं कि उस जुबान नाल दुआ मंगो जिस नाल तुसीं गुनाह नहीं किया। तुहाडे सुभान तुसी बंदे गौर करना, मैं एक जुमला पढ़ के देखा कितने बंदे नूं मजलिस दे बोलने की आदत है, इजाजत है सारे दी। परदेश एक भाई बीमार परेशान है, मालिक जनाब सुतैन शराजी साहब उन्होंने सारी परेशानी दूर करे, और एक भाई ने मालिक उन्होंने कारोबार च बरकत अता फरमाए, तुहानू सारे नूं जिक्र अली च बोलने की तौफीक अता फरमाए, मारफत एक बार काफी। और नारा हैदरी जरे चुप रह के तुम दस रहे, नारा हैदरी खत्म नबूत की दलील भी है और तौहीद का इकरार भी है। जेरे दाद नहीं दे सकते अल्लाह मियां तुहानू जाकर बनावे, इतों तुम रावलपिंडी मजलिस पढ़न जाओ, अगो बानी तुहानू आखे भाईओ कल हो गई है, तुम इंज ही शक्ल बना के वापस आ जाओ। इस तो भी जल्दी छड़ सकना मैं, परेशान नहीं मैं, नियाज वास्ते नियाज मैं घर आ जाती है। अली उन्होंने वास्ते पढ़ना जिहड़े अली सुनने वास्ते हर जगह मौजूद है, और जिहड़े रोज नवा अली सुनते हैं, नवे शिया की लोड़ नहीं है। इमाम हुसैन बादशाह की कसम है नवे शिया की लोड़, पुराने ठीक हो जाने बड़े ने, करीबी बैठे बंदे ना बोल सकन तो उन्होंने मर्जी है, नाच सुनाओ तुम कसीदा ही कहना औखा खोल दिता जे तो नहीं पहले नाच सुना, अगर कसीदा कल सुनावा तो फिर चुप रह के बंदा मैंने नेड़े आना पै जाना। हूँ पिछले साल की गल नहीं, मुनाफकत वाली जिंदगी तो वैसे ही लानत कर दी, अमीर उल मुसलमान काफिर होकर मर जाना, मुनाफिक होकर ना मर जाना, काफिर से भी नीचे मयार है मुनाफिक। मैं तो बादशाह जी जिस बादशाह मनना मनता भी इस वास्ते चुके रसूल आखे, बंदे नबी का कलमा पढ़ के नबी की नहीं मानते, तुहानू कह रहे हैं सारे भावे नाराज हो मेरे ते, कब्रे हुसैन ते खड़ा जरूरी नहीं कि सारे परचे मैं ही करावा, एक अद्धी दरखास्त तुहाडे ते भी होवे, हदीस मैं पढ़ना तर्जमा तुसी करना, फैसला भी तुहाडा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अव्वलन मुहम्मद
औसतना मोहम्मद आखरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। बाबा जी दुआ करना जरा बंदा तर्जमा करे मालिक जवारी नसीब हो साडा पहला भी जरा जवारी आस्ते नहीं बोल सकता वो हुणे बाहर चला जावे साडा पहला भी कुछ ही बोलो। अच्छा मौला तेरा मोबाइल आईफोन 15 मैक्स प्रो कर दे एडा महंगा होवे तू घर ना लेके निकले तेन ही आखदा पया दाद नहीं दे रहा मोबाइल इंज लग बैठा 33-10 क्या बात है। करबला की दुआ मांग रहा मेरा सोना मालिक फरमाते नमक से रोटी खा लो कर्जा चालो पर हुसैन की जवारी ते आओ। बंदे नु मियार शौर अकीदत इस वास्ते मुक गई है कि फूड़ी ते आउन दी तमीज नहीं रहेगी बंदे नु। असि बुजुर्गों को सुनते हैं मजलिस हुसैन वो जगह जिथे 14 तसी फरमाते हैं ये जेहड़े चुप बैठे ने बाबा जी जरूरी कि आखिरी उम्र जाके अली समझ आवे नहीं दाद देनी तो घर रहो जरूरी नहीं असि फट फट के नहीं बुलाते बंदे नु कि आओ आके सुनो किसी दिलदारी वास्ते नहीं है मिन्नत कर रहे हैं अली सुनना है मेरे को सुनना तो कम अज कम सुनना जिम्मे सुन का हक हो असि अली पढ़ नहीं सकते जो पढ़ रहे हैं वो तो बंदे कलमा पढ़ लेंगे ने जो हकीकत च पढ़ना पै गया फिर पता नहीं क्या होगा सिर चाणा जुमला पढ़िए थोड़े को दुआ लई है अगर नजम सुननी तो फिर इंज रोटी खा सकते हो तो मर्जी है नहीं तो इंज करके खराब दे साडा पहला भी मोहम्मद दरम्यान वाला भी आखिरी भी सारे से सारे तर्जमा भी तुसी कीता फैसला भी तुसी करना सरकार दुआलम दा नाम है क्या पढ़ दे हो अल्लाह दी कसम चवालो परचा नहीं हुंदा उची पढ़ो क्या पढ़ दे हो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अमीरुल मोमिन बादशाह दा नाम है क्या पढ़ दे हो टेकाने बिरा बोलो जरा क्या पढ़ दे हो अलैहि सलाम। एक बारी जमीर नु जगाना माशर दा मैदान होया सरकार दो आलम ने गिरबान च हाथ पा के आख्या जिसले मैं आख्या सारे मोहम्मद ने तू अलैहि सलाम क्यों बनाए ने लफ्ज मोहम्मद आवेगा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना पड़ेगा और जागना केड़ी गलत टुरे हो यार दुआ भी कर दियो इस दिन सिरातल मुस्तकीम और फिर कायम नहीं रहते जियो सही जरूरी नहीं कि हर बंदा खत्म कुरान की दावत कबूल करे जिन्होंने गदीर ते रसूल को अली नहीं ना लिया तो मेरे को ना भी लेने कोई फर्क नहीं पैंदा जेरे पीछे बैठे चलो जिनी जल्दी करबला जाना उन्नी जल्दी अगे आ जाओ उठो 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 आप भी टेक छोड़े इसको दीवार को भी अली का आसरा आगे आ जाए आगे अगर मैं जल्दी नहीं सुनावा तो जावा यार मेहरबानी ज़ियारत हो गई बस ठीक है महात्मा ने वेख लिया जिन्होंने मिलना से उन्होंने मिल लिया उन्होंने चेहरे से रौनक वेख ली है हो गई या अली आ गई गल समझ आवे तो बोलन ना भी समझ आए एफ आई आर नहीं साइयां वापस तो पहले जहरा को चादर बनाकर जो छुपा नूर वो ही खुदा है बादशाह नौकरी भजन जानते हैं मालिक सलामत रखे मैं सिर्फ अज की मजल सिर्फ थोड़ी जात वास्ते पढ़ना कि तुम मैं दुआ दें और न्याज दें जे मुंह दाद नहीं दे सकते इंज करके दियो ताकि इबादत शामिल रहो मेहरबानी। अगर हर बंदा देखो उत्थे तक मजमा खड़ा हो आखिर तक 500 जिम्मे माशा शबीर रसन सुन सोना जाकर साइया का मालिक इस तरह होर इजाफा करे जेरा भी अली पढ़ता हो मैं उन्होंने उस तो ज्यादा दाद देना भावें वह चुप करके सुनता हो चूंकि अली जिक्र बोलना ही बात है चुप करना नहीं आखिर तक मजमा हो जो मैं गल सुनावा वह मैदा कबूल ना करे फिर पता नहीं की लेना है पहले जहरा को चादर बना कर वो वजूद नहीं रखता लेकिन पर्दा रखता है जो छुपा नूर वो ही खुदा है फिर वही नूर आकर अली ने सबसे पहला मोहम्मद हुआ है इंतहा शुक्रिया जियो अली वाले हाय अली भाई शेर तोड़े आस्ते पाड़े हाय दरी अली साईं नौका जी मालिक तुहानू सलामत रखे जेरे चुप ने मैं चेरा एक वारी वेख लै एक शेर दी माफी देना उन्होंने अली फरमा रहे ने लाए लाए लिया से जुदा ना हुआ मैं तो आदम बना कर खुदा ना हुआ
जुदा ना हुआ, मैं तो आदम बना कर खुदा ना हुआ। मैंने हक ऐसा काबे पे जाहिर किया, जो किसी भी नबी से अदा ना हुआ। मैं तशहुद में आऊं तो फिर ही ला इलाहा और सल्ले अला है। पहले जहरा को चादर बना कर अली तनु सलाम रखे मेहरबानी साईं, साईं मेहरबानी जरा शॉर्ट ना रे जी। या अली या अली या अली शेर सुनाओ सही तुम अंदरों जड़ी रू ने आलमेर वाच रही मतलब पढ़े ना ओ बोलेगा दूजे ने बोल सकता शेर सुनाओ। मालिक तनु सलामत रखे एडा ढिला या अली कहने की जरूरत नहीं, नौकरी जो दे रहे हैं सुनी जाओ। अली फरमान रहे कैसे आयत अली बिन हो कुरान में, मेरी महकूम जब है हदीस किसा। कैसे आयत अली बिन हो कुरान में, मेरी महकूम जब है हदीस किसा। मुझ में जहर आ रही है अकद के लिए, फिर बना हूँ मैं उसका मिजाज ही खुदा। मेरी चौखट पे जोहरा सितारा फातिमा की दुआ से झुका है। काश इस गलती बंदे को समझ आ जाए काबे च अली दा आना अली वास्ते नहीं है, मर्जी ए सैयदा है। और कभी भी जनाबे सैयद नु कनीजे अली ना कहना, हर शहर रद्द हो जाएगी। ए मर्जी ए सैयदा है कि रहमतुल आलमीन धी सड़े, ए मर्जी ए सैयदा है कि अली काबे च आवे ते मेरा कुफ होवे। और कुफ हमेशा मस्तूर तो होंदा है, मर्द तो नहीं होंदा। गल करांगा तो बंदे ने वेदे उंजी ठीक नहीं गए। चलो अगली गल करिए, इसी गलती मजा सुकून हो जाने बंदे ने थोड़ा और सुकून कराई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अरसे दराज तो चलो तुसी नौकरी सुन रहे हो, सैयद ने मातमी ने अजदार ने बाबा जी सुन रहे ने विराज सुन रहे, ढेर बंदे सुन रहे ने, मुनफरिद कोशिश करदा ख्याल अलग हो। इस शेर ते दाद नहीं मांग रहे, अगर थोड़ी जितनी मार्फत है जितना सजदा है बादशाह दी बारगाह उतनी खैरात दे देना। अली फरमा रहे ला इलाहा मेरा हाथो वली हो गया, मेरा चेहरा भी मेरा जली हो गया। ला इलाहा मेरा हाथो वली हो गया, मेरा चेहरा भी मेरा जली हो गया। जू ही फातिर से जहरा हुई फातिमा, मेरा अल्लाह भी मेरा अली हो गया। क्यों न मगरूर अल्लाह मैंने रब को रब हो के सजदा किया है। बड़ी क्या बात है, मेहदी भैया आएगा वो आ जाएंगे सुना दो। मौला आपको सलामत रखे, आ जाते तो आते ही सुना देता। लो नात सुनाना चाह रहे हैं, क्योंकि कसीदा मैं पढ़ना तो नात भी मैं ही पढ़ना। अगर कुल्ले ईमान दा तस्करा मैं पढ़ना जिम्मे पढ़ना चाहिए तो फिर कुल्ले ईमान दे ईमान दा तस्करा होवे। इमाम हुसैन बादशाह दी नालाने पाक इज्जत दी कसम है, बंदे सरकारे दो आलम दी अजमत जानदे ही नहीं। किवें जान सकदे जो खुद नूरे तौहीद है, जिस बादशाह दी जुबान ते मोहर वमा यंत को निल हवाए न हुआ इल्ला वाहिन हुआ। मेरा नबी तब तक नुतक नहीं करदा जब तक मैं अल्लाह ना चाहवां। हुजूर कई बंदे अपनी मर्जी नाल इंजन करदे ने, कई बाबा ए तुहाडी अपनी मर्जी है।
ਉਹ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਤਵਾ ਜੇਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੌਤ ਹੱਕ ਹੱਕ ਅਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੱਕ ਦਾ ਵੀ ਇਮਾਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਤ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਨਾਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਲਾ ਪਿਛਲੇ ਆ? ਹੈਲੋ ਦੇਖਿਆ ਜੀ? ਟੇਕ ਵਾਲੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ? 1400 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਸੂਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਯਕੀਨ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਦਿਕ ਅਰਮੀਨ ਕਾਫਰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ 1400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾ ਇੰਝ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਕਈ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਸਮ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਸਮ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਨੇ ਬਗੈਰ ਡਿਠਾ ਅੱਲਾ ਮਨਵਾਇਆ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਦੀਰ 'ਤੇ ਅਲੀ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਿਰਕਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਣ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਰਸੂਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਬੁਗਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਿਰ ਚਾਣਾ ਨਾਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਮੈਂ ਤਾਰਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਮਾਤਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਚਲੋ ਜਿੱਡਾ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਜਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਭਜਨ ਦੀ ਢੇਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਭਜਨ ਇਤਨੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾਨ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤਾਰੀਫ? ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਵਰਗੀ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਇੰਜ ਰਾਨ ਹੋ ਵੇਖਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਓ ਅੱਲਾ ਆਖਿਆ ਯਾਸੀਨ ਤੁਹਾ ਮੁਜ਼ੰਮਿਲ ਮੁਦੱਸਰ, ਐਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਤ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਸਲੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਰਸੂਲ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। 1 2 3 4 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠਾ ਹੋ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਹੋ ਗੁਲਾਮ ਔਰ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੋਲੋ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ, ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਦੂਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਯਾਰ, ਚੁਸਤ ਗੁਲਾਮ ਬੋਲੋ, ਸੁਸਤ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਜਾਓ। ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਰਸੂਲ ਮੈਂ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਦ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੋਲੋ। ਨਾਥ ਹੁੰਦੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾਥ, ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ 5-5 ਦਫ਼ਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਵਲਨ ਮੁਹੰਮਦ, ਔਸਤ ਮੁਹੰਮਦ, ਆਖਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਬਕੁੱਲੋ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ। ਨਾਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਾਸਲੋਂ ਕੋ ਤਕੱਲਫ ਹੈ ਹਮਸੇ ਅਗਰ, ਹਮ ਵੀ ਬੇਬਸ ਨਹੀਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਨਹੀਂ ਕੋ ਪੁਕਾਰੇਂਗੇ ਹਮ ਦੂਰ ਸੇ, ਰਾਸਤੇ ਮੇਂ ਅਗਰ ਪਾਉਂ ਥੱਕ ਜਾਏਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹੋ ਸੁਣਿਆ ਐਡੀ ਅਕੀਦਤ ਸੀ ਤੇ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸਮੇ ਰਸੂਲ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ? ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਦੇ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਅਹਲੇ ਸੁਨਨ ਬਰਾਏ ਕਹੀਂ ਮਿਲੋ ਉਨਕੋ ਕਰੀਬ ਕਰਕੇ ਬਤਾਈਏਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਨਾਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਨੇ, ਯਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰ? ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਆਈਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਤ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਚਾਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਐਲੇ ਸੁਣਿਤ ਕੋਈ ਬਿਰਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਿਰ ਚਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਚਾਰਾ, ਪਲੀਜ਼ ਹਲੀਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੈ। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਨਾਤ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਜਨਾਬ ਹਲੀਮਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਮਸਤੂਰ ਹੋਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰ ਚਾਣਾ ਫਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾਤ ਕਸੀਦਾ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਨਾਤ ਈਸਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਹਮਦ ਵਜੂਦ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂ,
अगर अपनी गल करन दिल करदा जे तू सुनना अली पढ़न तो बाद मैं माफी नहीं मंगदा ते इसे गल्ला साडे सारे नु आओ तो नाथ सुनावा ताकि पता लगे तुहानू मैं अली दा नहीं मैं रसूल दा भी गाली हां नाथ सुनाइए नाथ रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आओ 1400 साल पहले मोहम्मद दी नाथ पढ़ के अपने दौर दे मोहम्मद कोलो खैरात लईए मुझे पता नहीं साढ़े दौर तो मोहम्मद कौन है मैं क्या आखा जी सिर जाना जी रहमत के मालिक आपके कारोबार में इज्जत में और इजाफा करे लुत्फारा पढ़ने का रहमत के मैं जो सही पढ़े मन तो मजा आ रहा है मैं अपने वास्ते पढ़ता जी यार आप भी दाद दो यार वो दे रहे आप भी दो आपकी सेहत मेरी जैसी है कम सेहत वाले बहुत बोले करो रहमत के क्या बात है रहमत के सैयद लफ्ज सुनना बंदे ने पता लगे नात क्या है रहमत के आईने में जब देखता खुदा है लगता है मुस्तफा है लगता है क्या बात है जियो लगता है मुस्तफा अल्लाह देख लिया मौला आपको कामयाबियां दिया आपकी वजह से पढ़ रहा हूँ जो चुप है वो पहले ही चुप ही नहीं बार बार आएगा रेपिटेशन है रदीप है लगता है मुस्तफा है बाबा जी तुझे देखना कि कौन कौन अपने आप नु वेख के अपने आप नु कह रहे हैं लगता है मुस्तफा है हुण सिल जाना अगली बात आप करिए रहमत के आईने में जब देखता खुदा बशर है तो बदन का साया कहा गया है लगता है मुस्तफा है लगता है मुस्तफा सलामे दियो लगता है मुस्तफा है ये बशर है तो बदन का साया क्या बात है इमाम हुसैन बादशाह की नरेंद्री किसम तुझे थकावट ला देती है मालिक अली वाले सलामत रखे जिड़ा अली दे दी मौला दी शान सुन के खुश हो रहा सैयद जोली जा के दुआ मंग रहे हर उस बंदे वास्ते जिदा मेदा ठीक है मालिक पाक तुम सलामत रखे वो कहंदे ने कब्र ते नियाज अपनी अपनी हुंदी है हमने सुना है कब्र में आते हैं या अली तुम वेखी जुमला याद आ गया हमने सुना है कब्र में आते हैं या अली कभी आप ऐसे हाथ खोल के खराब दें मालिक आपको करबला लग जाए और दाद प्यारी जी करके मैं कहना हमने सुना है कब्र में आते हैं या अली तारक भाई काश बंदे जमीन में भी जगा लें जिमें आप जिंदा ने जिथे अली आन वो कब्र नहीं होंगी वो काबा होंदा जे मालिक तुम सलामत रखे लगता है मुस्तफा है शेर आपको सुनाओ मुझे लगता है शेर आप ही यही मजमा जो सारे सुनेगा हर जगह से सही सारे पढ़ भी नहीं सकया क्या करा बंदे थोड़ी दाद देने मैं ना लै जाना चाचू जी मैं कहना कि जरा बंदा नहीं लै सकता रसूल की शान नहीं सुन सकता मैं क्यों सुनावा मैं अल्लाह को दुआ लवा सुनने से तो ही अदा कर रहे ना जाकरी करके जाकर ते हाँ नहीं जाकर होने वास्ते बेवजूद होना पैंदा है ला शरीक होना पैंदा है सुनत अदा करें सिर जाना शेर पढ़े हाँ मैदान में अली है खैबर उड़ा के देखो चलता जो मुर्तजा है लगता है मुस्तफा है लगता है जो हदीस से पहुंचे ने अव्वल ने मोहम्मद औसत ने मोहम्मद खरीदिया उस बंदे ने मुनफत ख्याल देने ना सुनना गड्डी से सुटा क्यों सुता है क्या बात है अली वाला बोले या अली
मालिक थोड़ी मार्फत चोर इजाफा करे, थोड़े रिज़्क इजाफा करे। ज़ेहन च हदीस रखना, सरकार ने फरमाया मैं नहीं आख्या बाबा जी थोड़ी सदात दी मातमी दुआ सी मैं रब्बी लेवल ज्यादा जशन पढ़ना अहले सुन्नत बनावा को दावत ही देंदे ने सिया तो उंज भी घाटी बुलाउंदे ने अहले सुन्नत बिरा दादा बुलाउंदे ने ओ दाद ही बड़ी देंदे ने ते दाद भी बड़ी देंदे ने जिन नहीं समझ आई वो किसे दाद च नहीं भाई किथे चले हो हेलो ओ यार ये जरूरी गल कर रहे हैं तो फिर भी आ जाएगा मैं तेन बैलेंस करा देंगा आप कर लें शेर सुन कायनात की कीमत दा खान ते कायनात कुछ भी नहीं मेरे बाद सदीना लाइन अगे तो ही दमयार दा शेर अपनी औकात के मुताबिक शेर पढ़े तवज्जो करनी गल करी आख रहे हैं अहमद से पहले ला हुसैन हो चुका है नूह के सिना के ऊपर जो इब्ने फातिमा है लगता है मुस्तफा है लगता है मुस्तफा है मालिक तुम सलामत रखे जी सही मेहरबानी इंतहाई शुक्रिया कलंदरा इमाम हुसैन तुम सलामत रखे जेरे खड़े हो बानिया ने तुहाड़े वास्ते कारपेट वगैरह बिछाया बह सकदे नो प्रॉब्लम खड़े खड़े थक जाना उत्थे इंज करके इंज हो जाना अगे ना आना हां जी मैं नहीं कहंदा जी इन्हां दा है इन्हां नूं देना पैणा शेर तुहाड़े वास्ते पढ़िए इशारे दी कोई बुक्कत नहीं हुंदी किसी बच्चे को पूछना भाई मैं फलाने चौंक जाना वो कहेगा चाचू जी अगो जाओ तो अगो सज्जे हो जाना या लाहौर वाली गल करना खब्बे हो जाना फिर तो सज्जे हो जाना साढ़े लाहौर जी दस ने भाई तारे साहब को इस गल हाथ जोड़ के मेहनत कर रहे हैं तज़करा यूसुफ हुस्न यूसुफ नहीं तज़करा यूसुफ जिदी जुलैखा आशिक होवे उसनु यूसुफ आदन जिदा अल्लाह आशिक होवे उसनु मोहम्मद आदन सिर चाणा कौन बंदा कहंदा है लो जी इन्हों की कलम तो निकली गल पढ़ते हैं वह भी आ गए इन्हों की इज्जत बख्त उच्ची सलवात पढ़ो सारे हजरात अल्लाहुम्मा सल्लेला मोहम्मद माले मोहम्मद वाजिल फरज आलम जनाब राय अली इमरान साहब मालिक पाक सलामत रखे क्योंकि मेरे वास्ते बस यही लिख सकते हैं और कोई लिख ही नहीं सकता किसी लिखा वो गल लिखने मैं कहना भाई नर्सरी दी गल ना पढ़ा मैं मेरा नाम मैं कामरान बी ए हाँ अल्लाहुम्मा सल्ले कामरान भी हाँ पर गल मास्टर वाली करना चाह रहे हैं राय साहब थोड़ी लिखी कलम की खराब तो शेर नाद तक पढ़ रहे हैं दाद जिनी भी आएगी ओदी इजाजत है मालिक थोड़ी इज्जत रिजत बख्श इजाफा करे और थोड़े कलम चो कसीदे निकल देने तो थोड़ा नौकर बन दर तज़करा यूसुफ हुस्न यूसुफ जिन्हों पुछो जिथे पुछो तज़करा यूसुफ इशारे की गल की तवज्जो करनी है जिस बात सदी न लैन दे सके अल्लाह पता नहीं कितने जहान बनाए ने नौकर द्वारा से शेर पढ़े तवज्जो करनी है हदीस ज़ेहन च रहे अव्वलना मोहम्मद औसतना मोहम्मद आखरना मोहम्मद गल करी आख रहे हैं शेर पढ़े हैं यूसुफ का हुस्न सारा जिनवाई है मेहरबानी होगी जिसका एक इशारा वो फातिमा के घर में लो आ गया दोबारा जुल्फे हटा के अकबर जैनब से बोलता है लगता है मुस्तफा है लगता है मुस्तफा के आने में क्या बात है तो हसी एडी वडी आग ने ज्यादा पढ़ना भी नहीं बनता कसीदे को पढ़ते जरा नकाबत फरमा रहे बुजुर्ग मेरे उन्होंने थोड़ी भी हो जाए ये पिछले दिन एक सिनेरियो गुजरिया एक वाक्या गुजरिया भाई अली पढ़ना मुसल्ले ते तू दस मुल्ला सजा की
खुदा खुद नू अली आखे जे मैं आखां गुनाह किए। अच्छा जी ए मैं किसी थोपी ते ना गल मैं पूछी जी ना सही मेहरबानी इंतहाई शुक्रिया अली पढ़ना मुसल्ले ते। चलो दो शेर आपको सुनाते हैं इतने प्यारी दाद दे रहे हैं मेरे लिए मेरे से आपकी दाद ये है कि मेरी जिंदगी भी आपको मौला आपका आपको सलामत रखे आपके वालिदैन आपकी खुशियां देखें। मेरे लिए सबसे बड़ी दाद यही है कि आप अली सुन के खुश हो रहे हैं। शेर थोड़े ऐसे पड़ी थी अली ना आ तो ना विच सूरा कौसर दा शौहर है ताइयो अल्लाह दी हर कुदरत अली दे नाल जाहिर है कबर विच जा के वंड कर लई अली की ये खुदा की ये अली पढ़ना मुसल्ले सही बिस्मिल्ला सदके जावा नौकर बाज आहा थोड़ी क्या बात मालिक तो सारे सलामत रखे जी बाबा जी एडी खूबसूरत खैरात देंदे ने सारे बंदे नूं पूरे कुरान का सवाब भी पहुंचाते ने कम जरफ नहीं लेंदे अपनी मर्जी है शेर तुहाडी सलामती वास्ते मातमी दी सलामती वास्ते राय साहब जी मेरे चाचू जी सलामती वास्ते शेर सुनना जी अली दे इश्क दा सुर विच तू सुन कुरान मेरे तो अली दे बोझ विच अपना तू सुन नुकसान मेरे नमा चंगी न प्यो लभया तेरे पल्ले रिया की दियो मौला सलामत रखे हुक्म तमिल हो गई मालिक हवे आली 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 ओले गए सर बिस्मिल्लाह करा मैं कर दूं आपके सिखा आप कर रहे हैं मैं जो होगी तो पहले बिरा देखो फिर पहले मेन ना आने बाद थोड़े को लाने अली ना होवे किबला नहीं बनदा ना सजदे गवालवी मौलवी अली ना होवे किबला नहीं बनदा ना सजदे गवालवी मौलवी अली ना होवे किबला नहीं बनदा ना सजदे गवालवी मौलवी अली ना होवे किबला नहीं बनदा शेर पढ़ांगा अगर होर साड़े ने ते होर साड़ांगा गल कड़ी आख रहे दीन विच खुदा मौलवी नमाज विच जान कढ़दा दिन विच खुम दा ऐलान करदा अच्छा नबी मेरे अली नु कुरान सजदे मौलवी नमाज चो कुरान कढ़दा इबादतां नू लानतां बना के न तोक गल पालवी मौलवी इबादतां नू लानतां बना के न तोक गल पालवी मौलवी इबादतां नू लानतां बना के न तोक गल पालवी मौलवी अली दे नाल लड़ के शैतान नू तू पियो ना बना लवी मौलवी अली दा
मालिक तुम सलाम रखे जी, इंतहाई शुक्रिया, इंतहाई शुक्रिया। गुस्सा कोई ना करे जी, नस्ल कर रहे हैं। मैं नौकर जाती हूँ, मालिक थोड़ा साया सलामत रखे, औलाद की खुशियाँ नसीब हो, बेटियों ने मालिक नसीब नहीं करे। ए, इतने मातमी सैयद और वो बंदे जिन्हें दुआ है ते नौकरी दे रहे हैं, थोड़ी सलामती असली खेल पड़ दी। असी किसी ऐसे मनते ही नहीं जिन्हों मनने बिल देने पौन। जे खाली सिर हिला रहे हो तो मैं नहीं पता, अपनी गल दस दें, मनते ही नहीं जी। जिते बिल देने पौने, फिर बिल लग के आ जाए, फिर किस्तों दी मिन्नत करते ने। हर किसी वास्ते नहीं सी गल जी, असी को खैरात मिल गई है, बाद च किस्त ना हो तो मीटर कटिया जाए। ओ भाई सिर चा तू आप मैट्रिक फेल है, एवं संधन आवन ना फिर। चलो मैं मिसाल लेके ऐसा, जे मजलिस चुप बहन ने ए भी रजी अल्लाह सुभान अल्लाह, कैमरे वाले भी रजी अल्लाह, साउंड वाले भी रजी अल्लाह, असी भी तो जे बाहर ने मजलिस तो वह तो कन्फर्म रजी अल्लाह। अगर इसी सारे रजी अल्लाह हो गए, डिफाइन कौन करेगा केड़ा है तो केड़ा नहीं। ये शेर पढ़े हैं, अली नाल बोलद शदीद हो गया, लानत सी मौलवी मजीद हो गया, अली नाल बोलद शदीद हो गया, लानत सी मौलवी मजीद हो गया, खड़ा सी मुसल्ले ते पलीद हो गया, अली नाल लड़ के यजीद हो गया, मुसल्ले ते पलीद हो गया, अली नाल लड़ के यजीद हो गया। रज़ी अल्लाह जगते यजीद नु तू अपना बना लवी मौलवी, रज़ी अल्लाह जगते यजीद नु आ जा बब्बर से लाकर आ गया, मैं ही आ रहा फिर। रज़ी अल्लाह जगते यजीद नु तू अपना, फिर गाओ सुना, ए रज़ी अल्लाह जगते यजीद नु तू अपना बना लवी मौलवी, ते नबी दे सहाबियां तो मर के तू जुत्तियां ना खा लवे क्या बात है। यो अच्छा जी, अच्छा जी मैं पढ़ता हूँ, मैं बिस्मिल्लाह। कौन सी वाली? ओके ठीक है, पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। इमाम हुसैन बाजी तुहानू सलामत रखे, क्योंकि मेरे बाद भी उन्हें ही पढ़ना जिन्ना मैनू देना, और फिर आखिर ते भी मैं ही पढ़ना जी। मलिक शौकत साहब मेरा सिर साड़ी सेहत दा फर्क है, बाकी साढ़े एक ही गल, उन्होंने सुन लो मैनू सुन लो, उन दाद दे लो मैन दे लो, उन न्याज दे लो मैन दे लो, एक ही गल बेहतर है मैनू दे लो, बेहतर ही है कि मन दे दे। जी चाची नौकर, सही मैं नौकर है ना, हुक्म हुक्म मैं थोड़ी मोहब्बत च इन्हां दे प्यार च ओ आखरी मिनट तक मसाइब भजन पढ़ देंगे दिल तसी, लेकिन तुहानू कसीदा सुनाओ ताकि बंदे ना फ्रेश हो गए, गुलदस्ता सोहना जिहा बना के दो बादशाहां दे पेश करां, साईयां दे मदा खान जो ते बादशाह है, जे मजमा बादशाह ते ए वी बादशाह ने। शेर सुनना जी, अल्लाहु अकबर अल्लाह अकबर, थोड़ी गल करिए गुस्से ना ना कर देने, हाथ लाने इतने बैठे ने, अल्लाह अकबर तुझे इंज करके नहीं पढ़ देंगे, इंज फिर इंज बंदे क्यों। सुबह शाम काबे के नूर ने, सुबह शाम काबे के नूर ने, ऐ अली तुम्हारे ज़हूर ने, ऐ अली तुम्हारे ज़हूर ने, मुझे एक नमाजी बना दिया, 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 मुझे एक नमाजी बना दिया। मलिक साहब ने भी टच वाले सौदी ले ले, पर उन्होंने पता नहीं खराब हुए तो सही होने ही नहीं हाल लोड़ तुम्हें, मैं मैनुअल रखे ने आप ही सही कर लेंगे। सुबह शाम काबे के नूर ने, मुझे एक नमाज़ी बना दिया,
मैं खुदा को ढूंढने निकला था, खुदा को ढूंढने निकला था, मैं खुदा को ढूंढने निकला था, तूने रुख से पर्दा हटा दिया, हाथ नहीं चाया सर जी, मैंने मजबूरी आई है, जरा बंदा अली दिन हाथ न चावे मेरी डायरेक्ट नजर होते पैंदी है, तुहाडी जाकरी दुआ करिए, अल्लाह मियां तुहानूं जाकर बनावे, ऐसे साल बनावे, एक साल अपने वर्गे मजमे पढ़ो फिर मैनूं दस दिओ, जेने नहीं बोले मैं बाबा जी नाल मिलावा, अपने मातम नाल मिलावा, उन्होंने बंदे के हाथ जोड़ के पूछा भजन 1400 साल पहले आपको कोई रिलेटिव हो ऐसा जो हमें बता दे कि पहले मेराज पे कौन गया है, उर्दू औखी थी समझ आती, कराची पढ़ पढ़ के मुझे उर्दू बोलने याद पड़ गई, पहले मेराज पे कौन गया कोई जानता जी, बाबा जी होते तुसी मैं कह लेना, इन्होंने पूछने जरे नहीं बोल रहे, कोई जानता है 120 मेराज ना पे सर में के ना की एक कोई मशहूर ओदे च भी अली ना को वेखण वाला ना को दसण वाला रस्ते च फिर बुराक बुराक दी उन्हें शक्ल ही कमाल बनाई जी, पिछला हिस्सा घोड़े का अगला मस्तूर का, वाह मैं कैसी एयर होस्टल रखी है ना, वो आइसक्रीम खावेगी के कहा खावेगी, सिर चने सिर तोड़े ऐसे पड़े हैं, बार बार सुसन वंदने अली बादशाह दरबार के हाथ जोड़ के इल्तिजा करें, मेरे मौला तेरा मुस्तफा हिजाब क्यों, तू खुदा नहीं तो सवाब क्यों, अली वाले बोले मुलाकात अल्लाह नबी में थी, मेराज में फिर जनाब क्यों, मेराज में फिर जनाब क्यों, नबी का सलाम खुदा को था, नबी का सलाम खुदा को था, तेरे लहजे में फिर जवाब क्यों, तेरे लहजे में फिर जवाब क्यों, तेरे लहजे में फिर जवाब क्यों, रहमत में वहादत से मिलना था, योली वाले रहमत ने वहादत से तूने हाथ अपना मिला दिया, रहमत में वहादत, ओ खलोते बंदे खचा लीला करन